हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड हर हर महादेव टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल ऑफ जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई एम श्योर आप सब अपने अपने घरों में एकदम मज़े से होंगे। मैं भी एकदम मज़े में हूँ, लेकिन मैं घर पर नहीं हूँ। वेल, आप लोगों को थंबनेल से ये पता तो चल ही गया होगा कि मैं इस वक्त हूँ दुबई में, और मैं फिर से दुबई आई हूँ। एंड इस बार मैं आप लोगों को सबसे पहले करवाने वाली हूँ अपने होटल का एंड अपने होटल रूम का टूर, क्योंकि इस बार मैं कुछ अलग जगह पर रुकी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये जो होटल है इसकी ब्यूटी जो है वो आप लोग तक पहुँचे, और इसीलिए मैंने आज का ये व्लॉग स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं कितने प्यारे से होटल में रह रही हूँ एंड मैं कितने प्यारे रूम में रहने वाली हूँ। सो आई नो दिस इज़ काइंड ऑफ अ शो ऑफ, बट कभी कभी चलता है, मैं अक्सर शो ऑफ नहीं करती हूँ। सो लेट्स गो, आप लोगों को लेकर चलते हैं मेरे होटल में और देन होटल रूम में। सी या। एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ XVA गैलरी आर्ट होटल एंड कैफे, जहाँ मैं रुकने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही अनयूजुअल यहाँ का एंट्रेंस है, और एक ओल्ड दुबई काइंड ऑफ वाइब्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल भी मॉडर्न दुबई से डिफरेंट है ये, और ये एंट्रेंस है जहाँ से मैं आ रही हूँ। यहाँ पे आर्ट गैलरी भी है, क्योंकि यहाँ का जो ओनर है वो है एक क्रिएटिव सोल। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। Hey guys, so let's go inside the hotel and I'll show you how beautiful it is. And this is the reception. And look at the ceiling. My creative. Yeah, water. Free का पानी मिले तो उठा लो, क्योंकि यहाँ पानी बहुत महंगा है। और यहां से है एंट्री। वाओ, लुक एट द वाइब्स। आई एम श्योर दैट यू गाइस गोना लव इट, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। बहुत ही काम सूदिंग वाइब्स है यहाँ के। और आप देख सकते हैं कैफे के बीचों बीच पेड़ है, और इस पेड़ के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप एम्बियंस देख लीजिए, है ना। बहुत काम एंड सूदिंग एंड ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। चलिए आगे चलते हैं। Hey. Well, he wants to see the facilities, the hotel, so we'll go upstairs. Can you please introduce yourself? My name is Denver, one of the staff here in the XVA. Okay. And I'd glad to meet you and welcome in our hotel, XVA. Thank you. You're welcome. तो गाइस चलिए ऊपर चलकर देखते हैं कि ऊपर क्या है। वैसे मेरा जो रूम है वो कहीं और है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऊपर जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को होटल का पूरा व्यू पता चल सके। है ना ब्यूटीफुल? वाओ, लुक एट दिस सीटिंग एरिया, इजंट इट ब्यूटीफुल? You're not seeing. So this was just for you to show that how it looks. My room is downstairs. So मैं आप लोगों को मेरे रूम का टूर भी कराती हूँ। लेकिन दिस इज़ नॉट इट गाइज, बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और इसीलिए तो मैंने ये व्लॉग बनाया है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि यूजुअल होटल से इस होटल में क्या अलग चीज़ें हैं। ये साइड पे आर्ट गैलरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं वहाँ पे भी लेकर जाऊँगी, लेकिन इससे पहले ये जो प्राइवेट एरिया है वहाँ चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। आप देख सकते हैं वॉल्स पे हर जगह बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी आर्ट वर्क्स लगाई हुई है, क्योंकि ऑफकोर्स ये आर्ट गैलरी कम होटल कम कैफ़े है। सो वाओ, लुक एट दिस ट्री, कितना प्यारा है यार, कितना अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल ट्री है ये। मुझे बहुत पसंद आया ये, दिस इज़ रियली अमेजिंग। आई जस्ट लव द एम्बियंस,
बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है। आई विश कि आप लोग भी यहाँ होते और इसे फील कर सकते जैसे मैं फील कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए मुझे क्या दिख गया। वाओ, लुक एट दिस आर्ट वर्क ऑन द वॉल गाइज। आई एम टेलिंग यू, ये जो पेंटिंग है इसमें जो ये आँखें हैं ना, ये आँखें इतनी ज़्यादा स्टैंड आउट होती है जब आप इसे यू नो सामने से देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। आई एम टोटली लविंग इट। और बस इस पेंटिंग के साथ में मैं भी अपनी एक फ़ोटो निकाल लूँ एंड अब चलते हैं आगे। आगे भी बहुत कुछ है देखने लायक, लेट्स गो। What's there? Show some nice people. So there's one more painting that got my attention. You can see these ladies over here on the wall. Ah, wow, these are really beautiful paintings and a really beautifully, you know, decorated place. And here comes one more painting. Well, okay, I could see somebody sitting with a lot of women out here. I don't know what it is, but I like it. ये भाई साहब को हमें पता नहीं, बहुत सारी मोहतरमा के साथ में पेंटिंग देखिए मैडम कितने आराम से रेस्ट कर रही है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये पेड़ है। तो ये था होटल का टूर। रूम के लिए अंदर, रूम के अंदर भी लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप होटल को एक्सप्लोर कर लें। एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द आर्ट गैलरी। सी व्हाट इट इज रिटर्न हियर, लेट देम ईट आर्ट। तो चलिए लेट्स गो एंड ईट सम आर्ट। सो गाइज ओवर हियर every wall has some painting and every painting has a story, whether you understand or you don't understand, but every painting has some story. Look at this painting. I know it looks a little scary, but I'm sure there must be some story behind this also. And now this is the entrance for the gallery shop, so you can go and explore there. लुक एट दिस पेंटिंग। एट वंस मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मतलब कुछ कलरफुल सा ब्लू पिंक समथिंग, बट लेटर ऑन येस आई डिड अंडरस्टूड वॉट इट इज़। सो या एज आई सेड एवरी पेंटिंग टेल्स यू सम स्टोरी एंड देर इज सम स्टोरी इन एवरी पेंटिंग। लुक एट दिस ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग। वाओ, फिर ये जो सामने पेंटिंग है ना, जो दिखने में साधारण लग रही है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी, कैन यू सी द फेस ऑफ अ वुमन इन दिस पिक्चर? सी शेड्स चेंज हो रहे हैं। ऐसे इसमें भी कुछ होगा। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं इस होटल रूम में, मतलब इस होटल में और क्या क्या एक्सप्लोर करने लायक है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग क्लास में इस तरीके के बहुत से आर्ट्स एंड पेंटिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें यू नो मेरी टीचर मेरे सामने लाकर रखती थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और मुझे इस वक्त एग्जैक्टली वैसा फील आ रहा है। तो मेरी तरह जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता उनके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है हर पेंटिंग का, तो वो इसे पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वाओ, हियर कम्स अनदर ब्रेथ टेकिंग कॉर्नर ऑफ दिस होटल एरिया एंड आई एम टोटली लविंग दिस गाइज। आई मीन लुक एट दिस एम्बियंस, इजंट इट ब्यूटिफुल। मुझे ये पेड़ और उसके आसपास में ये मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एंड यू नो ये जो पूरा इंटीरियर है, दिस इज़
so much Instagrammable. I mean, just imagine clicking so many pictures here and look at this sitting area. I mean, यहाँ पे बैठ के आप कॉफ़ी पी सकते हो और बहुत चिल मार सकते हो अपने दोस्तों के साथ में. There's one more artwork, of course. Artwork की यहाँ कोई कमी नहीं है. I'm gonna come here and sit here with my friends and have coffee, for sure. है ना, ब्यूटीफुल प्लेस. चलो आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं आगे और क्या है. लेट्स सी. सो गोइंग हियर नाउ. सो दिस इज द मेक योर विश. इसके अंदर आपको एक ये एनवेलप पिकअप करना है, अपनी विश लिखनी है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है. और इनके आर्ट फेस्टिवल के दिन पे वहाँ बाहर रखे हुए पेड़ पे ये लोग आपकी विश को लटकाएंगे. सो नाउ लेट्स गो इनसाइड दिस बुटीक. और आई थिंक दिस इज़ एन आर्ट बुटीक. आई एम जस्ट लविंग दिस. आप एंट्रेंस देखिए कितना वाइब्रेंट है और कितना कूल है एट द सेम टाइम. आपको ये दिख रहा है, मुझे तो ये स्पाइडरमैन टाइप्स कुछ लग रहा है. तो चलिए चलकर इस आर्ट बुटीक को भी एक्सप्लोर किया जाए. उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो स्पाइडरमैन भाई साहब है उनको ठीक से दिखा दूँ. कितना ब्यूटीफुल है ना, सारी चीज़ें बहुत अलग और यूनिक है. सो मुझे तो ये स्पाइडरमैन विथ मक्खी. आपने मक्खी फिल्म देखी है? नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, साउथ की मूवी है, बहुत मस्त फिल्म है. तो यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है. एंड ओके चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या है. देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है. चलिए अंदर चलकर देखते हैं. बहुत सारी किताबें रखी हुई है एंड अगेन देर आर मैनी अदर पेंटिंग्स आउट हियर. अगर समझ में नहीं आ रही है तो बस देख के खुश हो जाइए. एंड या दिस आर नाइस पेंटिंग्स. आई थिंक सो ये इनका ऑफिस हो सकता है या पता नहीं, जो भी है आई थिंक सो यहाँ के जो ओनर है वो यहीं पे बैठ के अपनी पेंटिंग्स बनाते हो. आई डोंट नो अबाउट इट. ओ माई गॉड, लुक एट दैट ग्रीन वुमेन. वॉट इज इट मैन? बहुत ही भयानक है. अब इसका क्या मतलब है मुझे जानना भी नहीं है. ओ माई गॉड, देयर इज वन मोर. आप देख सकते हैं ये वाला, सच में ये ना किसी हॉरर फिल्म में डराने के काम आ सकता है. तो अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो हॉरर फिल्म बनाना चाहता है और चाहता है कि उनकी ऑडियंसेस डरे, तो ये पेंटिंग वो खरीद सकते हैं और उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जस्ट किडिंग. ये पर्पल ड्रेस वाली मैडम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है. चलो अंदर एक और है यहाँ पे यार. तो गाइज़ मुझे लगता है कि ये इनका स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे अभी तक इन्होंने अपनी अनफिनिश्ड जो पेंटिंग्स है वो रखी हुई है. आप देख सकते हैं बहुत सारे यू नो कैनवासेस है, कुछ हाफ डन पेंटिंग्स है, कलर करके रखी हुई है. मे बी जब उनको टाइम मिलेगा तब फिनिश करेंगे. एंड बाप रे, इन मैडम को टाटा बाय बाय बोलते हैं और आगे चलते हैं. वाओ, वहाँ से बाहर निकलते ही ये थोड़ा सा सूदिंग सा अच्छा सा मुझे कुछ दिखाई दिया. जैसे कि मैंने कहा ये बुटीक है तो यहाँ पे कुछ शॉल्स रखी हुई है, उसी के साथ में कुछ ड्रेसेस है और कुछ अतरंगी अतरंग सी चीज़ें हैं जो आप अपने होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ बुक्स है. सो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू नो यू कैन पिकअप फ्रॉम हियर एंड यू नो अपने साथ में लेकर जा सकते हैं. चलिए चल के ये भी एक्सप्लोर कर तो लेते हैं, देखते तो है कि यहाँ पे और क्या क्या है. खरीदो या ना खरीदो, एक्सप्लोर पूरा करो, है ना. तो गाइज ये जो बुटीक है यहाँ पर कपड़ों के साथ साथ आपको कुछ यू नो ज्वेलरीज, मिनिमलिस्टिक ज्वेलरीज, मुझे तो ये गोल्ड लग रहा है तो शायद से ये गोल्ड ही होना चाहिए. ज्वेलरीज बहुत प्रिटी है. एंड यस, उसी के साथ साथ यहाँ पे और बहुत सारी होम डेकोर के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप चीज़ें लेकर जा सकते हैं. आप जस्ट किसी टेबल पे अगर आपको कुछ इस तरीके का लैम्प रखना हो, यू नो ऐसी कुछ पेंटिंग्स रखनी हो, इनमें से कुछ चीज़ रखनी हो, तो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हैं. फ़िलहाल मैं तो कुछ नहीं खरीद रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि आप ये सब कुछ आकर खरीद सकते हैं अगर आपको ख़रीदना है तो, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ कमीशन नहीं मिलने वाला है. मैं सिर्फ आप लोगों को अपना होटल
और यहाँ का जो आर्ट है और सारी चीजें हैं वो एक्सप्लोर करवा रही हूँ। एंड दैट्स इट गाइस, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यार, महंगी भी उतनी होगी। एवरी मिडिल क्लास गर्ल थॉट, द प्रॉब्लम इज इतना प्यारा प्यारा आर्ट है और ये सारा रखने के लिए हमारे घरों में तो ऐसी जगह है नहीं यार। मतलब आई एम स्टिल नॉट दैट रिच कि ऐसे आर्ट को मैं अपने घर में संभाल के रख सकूँ और मेरे घर वाले समझेंगे क्या लेकर आई है ये, क्या है ये सब, ये लुक एट दिस, जस्ट इमेजिन आपके घर वाले क्या बोलेंगे ये सब देख के। अगर मैं अपने घर पे इसमें से कुछ ले गई ना तो डेफिनेटली मेरे घर वाले यही बोलेंगे कि ये सब कुछ तो मिलता है क्राफर्ट मार्केट में मुंबई के, या फिर तुम दिल्ली के सरोजिनी मार्केट से ये सारी चीज़ें खरीद सकती हो, ये सब क्या है, क्या उठा के ले आई। मैं कुछ खरीद ही नहीं वाली, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कितनी प्यारी हूँ मेरी कुड़ी। चलो आगे चलते हैं। और मैं वापस बाहर आ गई ये मेक योर विश वाले काउंटर पे, जहाँ पे आपको विश अपनी लिखनी है और ये लोग पेड़ पे लटकाएंगे। पहले मैंने सोचा कि मैं विश करूँगी तो शायद कुछ यू नो भगवान मेरी विश कम ट्रू हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। पर बाद में जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने बोला छोड़ो यार, को थोड़ी पता नहीं है कि मेरी क्या विश है, छड्डो। सो गाइज़, आप लोगों के साथ साथ मैं भी इस रूम में फर्स्ट टाइम एंट्री कर रही थी और मैंने ये वीडियो लिया था, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरा सामान तो पहले ही पहुंच चुका था और यहाँ की वाइब्स जो है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। रूम थोड़ा सा छोटा है बट फॉर अ सिंगल पर्सन इट्स द परफेक्ट वन। एंड इतना बड़ा बेड है, कबर्ड है, अच्छा सा डाइनिंग टेबल है, और क्या चाहिए लड़की तुझे। हाँ, आई मीन टू से रूम छोटा है, ये है वो है, ये सारी कंप्लेंट्स में मुझे नहीं घुसना है। द रीज़न इज़ कि रूम बहुत प्रिटी है और सारी फैसिलिटीज, सारी एमिनिटीज जो चाहिए वो सब कुछ है इस रूम के अंदर। फ्रिज है, यू नो कैटल दिया हुआ है, देन देर इज़ डबल बेड एंड यू नो अटैच्ड वॉशरूम एंड यू नो इट्स नीट क्लीन एंड प्लस यहाँ पे ऑफकोर्स आर्ट वर्क तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। डाइनिंग टेबल है छोटा सा क्यूट सा एंड बाथरूम भी बहुत प्रिटी है यार, आई मीन मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही स्वीट है। तो यस, ये था मेरा रूम टूर। आई होप आप लोगों को मेरा होटल एंड रूम टूर पसंद आया हो। और गाइस, ये तो था मेरा होटल रूम एंड मेरे होटल का टूर जो मैंने आप लोगों को करवाया। मैं यहाँ पे कुछ 3-4 दिन रुकने वाली हूँ और अगर मैं कहीं और चेक इन करती हूँ, कुछ और एक्सप्लोर करती हूँ, देन आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइज अबाउट द सेम। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो ये ब्लॉग है वो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीकेंड ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव, बाय बाय।